दोस्तों एलिजाबेथ एन एज में रेनेसा में एक प्यूरिटन ड्रामेटिस्ट थे जिनका नाम था स्टीफन गॉसन। उन्होंने अपना एक वर्क लिखा था स्कूल ऑफ अब्यूज। तो ये कहानी वहां से शुरू होती है। स्कूल ऑफ अब्यूज वर्क में उन्होंने एलिजाबेथन एज के जो इंग्लिश ड्रामास थे और पोएट्री थी उनको टारगेट किया था और कहा था कि ये सोसाइटी इसलिए ऐसी है क्योंकि यहाँ के ड्रामास और पोएट्री इस टाइप के हैं, क्योंकि वो प्यूरिटन ड्रामेटिस्ट थे। तो इस तरह से अटैक किया था उन्होंने पोएट्री और ड्रामा पर। तो इस वक्त मैं आपको बता दूं, इस वक्त एक बहुत ही फेमस पोएट थे सर फिलिप सिडनी। उन्होंने इसको डिफेंड करने के लिए, पोएट्री को डिफेंड करने के लिए एक वर्क लिखा था, एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री। ये वर्क जो है दोस्तों बहुत ही फेमस वर्क है इंग्लिश लिटरेचर का और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक बहुत बड़ा नाम है इस वर्क का। इसके अंदर पोएट्री को डिफेंड करने के लिए सर फिलिप सिडनी ने काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं और दोस्तों आने वाले जनरेशन्स के राइटर जैसे पीबी शैले इनसे बहुत इंस्पायर हुए और उन्होंने भी अपना वर्क लिखा था डिफेंस ऑफ पोएट्री। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आगे हम सब डिस्कस करेंगे, शुरू करते हैं। इस वर्क के जरिए सर फिलिप सिडनी पोएट्री के आर्ट को सबसे ऊपर साबित करना चाहते हैं, क्योंकि शुरुआती एलिजाबेथन टाइम में, शुरुआती एलिजाबेथन एज में पोएट्री की वैल्यू डाउन हो गई थी। तो मॉडर्न पोएट्री की वैल्यू डाउन हो रही थी, तो पोएट्री के इन क्रिटिक्स से सर फिलिप सिडनी कहते हैं कि ये लोग एक्चुअली जानते नहीं हैं कि पोएट्री का लेवल क्या है, वैल्यू क्या है, बस इन्होंने मॉडर्न पोएट्री देखी है और ये भटक गए। सिडनी कहते हैं कि कोई सच में अगर पोएट्री के सही नेचर को, ट्रू नेचर को समझ सकता है तो वो देखेगा कि पोएट्री सभी दूसरे आर्ट्स में एक क्वीन की तरह है, एक मोनार्क की तरह है। और ये अपनी ये बात साबित करने के लिए वो क्लासिकल सोर्स का यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि पोएट भी एक टाइप से डिवाइन फिगर होता है और वो नेचर के परफेक्ट वर्जन को इमेजिन कर सकता है और अपना एक वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है, इसलिए पोएट को गॉड की तरह एक क्रिएटर कहा जा सकता है और क्लासिकल टाइम में कहा भी जाता है। ये क्रिएटर्स या तो गॉड को कहा जा सकता है या फिर पोएट को, क्योंकि दोनों अपना अपना वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, सिडनी बात करते हैं जियोवानी पाएट्रो प्यूग्लियानो की, जिसको पोएट्री की तरफ इतना ध्यान नहीं था, वो पोएट्री की तरफ इतना ध्यान नहीं देता था, अप्रिशिएट भी नहीं करता था, लेकिन जैसे ही वो एक पोएट बना उसने बड़ा ऑब्लाइज्ड फील किया। तो इस डिफेंस ऑफ पोएट्री में सिडनी आगे लिखते हैं, जब कुछ भी नहीं था वहाँ पोएट्री पहला आर्ट थी, फिलोसफी और हिस्ट्री दोनों से ऊपर, क्योंकि बहुत सारे क्लासिकल फिलोसोफर्स और हिस्टोरियंस जो प्रोज लिखा करते थे उन्होंने भी पोएट्री के इस आर्ट का यूज़ किया है अपने वर्क्स के लिए। वो तो प्रोज लिखा करते थे जबकि उन्होंने भी इस आर्ट का यूज़ किया, जैसे प्लेटो और हेरोडोटस, इन्होंने पोएट्री में लिखा अपने वर्क्स को, अपने फिलोसॉफिकल एलेगरीज को इन्होंने पोएट्री में लिखा ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए अपने वर्क को। इन लोगों को पोएट्री में लिखना ज़रूरी था, अगर ये ऐसा ना करते तो शायद ये इतने पॉपुलर ना होते, ऐसा बोलते हैं सर फिलिप सिडनी। लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में भी पोएट को वेट्स और पोएट्स बोला जाता है। वेट्स का मतलब मैं आपको बताता हूँ, फ्यूचर देखने वाला। क्लासिकल वर्ल्ड में पोएट्री को फ्यूचर की नॉलेज देने वाली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ माना जाता था, कंसिडर किया जाता था। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि क्लासिकल टाइम में, यानी कि लैटिन और ग्रीक टाइम में, पोएट्री को माना जाता था कि ये फ्यूचर की नॉलेज प्राप्त करने के लिए, नॉलेज पाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर ये दूसरा वर्ड जो है पोएट्स, इसका मतलब है मेकर, यानी कि क्रिएटर, जैसे कि गॉड है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि गॉड भी एक क्रिएटर है, वो भी इमेजिनेशन को एक रियलिटी में बदलने वाला एक क्रिएटर है, वैसे पोएट भी अपनी इमेजिनेशन से एक अपना वर्ल्ड क्रिएट करता है। तो उसी की तरह एक पोएट भी क्रिएटर है। अब यहाँ पर सिडनी वही एरिस्टोटल वाली बात को रिपीट करते हैं कि पोएट्री एक आर्ट ऑफ इमिटेशन है, यानी पोएट्री आर्ट ऑफ कॉपी है, कॉपी करना है इसमें, जिसका काम होता है ऑडियंस को प्लेजर देना। पोएट्री एक बोलती हुई पिक्चर होती है। वो लिखते हैं कि वो किस टाइप की पोएट्री को पसंद करते हैं, वो रिलीजियस या फिलोसॉफिकल पोएट्री की तरफ ना झुककर, बल्कि सही पोएट्स ने जो पोएट्री लिखी है उसे पसंद करते हैं। पोएट्री सिर्फ इस दुनिया में मौजूद सब्जेक्ट मैटर की तरफ ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि वर्च्यू का भी परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करती है एक पोएट्री, जो कि चीज़ें रियल में नहीं है, ऐसी चीज़ों की तरफ भी फोकस करती है पोएट्री। ये अच्छे की वैल्यू को बताती है। और दूसरा, हिस्ट्री और फिलोसफी से ज़्यादा अच्छी टीचर है वर्च्यू की, मतलब कि ये वर्च्यू को भी बहुत अच्छे से सिखाती है, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स बताती है, क्या हो चुका है ये बताती है,
मतलब लिमिटेड है। और जहाँ तक बात की जाए फिलोसफी की, तो फिलोसफी अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को बताती है, लेकिन पोएट्री इन दोनों से आगे है और ये अच्छे से अपने रीडर्स को इंस्ट्रक्ट करती है। एक फिलोसोफर क्या करता है, वर्डिश डिस्क्रिप्शंस तैयार करता है, तो पोएट भी वो कर सकता है। स्टोरी और कैरेक्टर्स का यूज़ करके वो वैसी ही वर्डिश डिस्क्रिप्शंस को तैयार कर सकता है जिसे आसानी से समझा जा सके। जबकि फिलोसोफर की बात थोड़ी बोरिंग लग सकती है, लेकिन पोएट्री में क्या है, स्टोरी और कैरेक्टर्स आ जाते हैं तो वो बोरिंग नहीं लगती बात, उसे याद रखा जा सकता है, पढ़ने में मज़ा आता है। जैसे कि ईसोप्स फेबल्स इसका अच्छा एग्जाम्पल है। तो एक पोएट को सही मायने में एक पॉपुलर फिलोसोफर कंसिडर किया जा सकता है, जैसे कि वर्जिल की एनियड। तो एक पोएट्री फिलोसफी की तरह वर्च्यू सिखाती है, लेकिन सही तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से। सर फिलिप सिडनी यहाँ पर बोलते हैं कि अगर हम पोएट्री को पढ़कर वर्च्यू सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम चेरी वाली मेडिसिन खा रहे हैं, मतलब कि मेडिसिन भी खा रहे हैं वो भी चेरी वाली। अब यहाँ पर सर फिलिप सिडनी क्लासिकल स्ट्रक्चर का यूज़ करके बोलते हैं कि पोएट्री और पोएट्स की जो हेटर्स हैं उन्होंने 4 बहुत ही सीरियस चार्जेस लगाए हैं पोएट्री पर, मतलब कि वो पोएट्री को बदनाम करने के लिए 4 चार्जेस का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो पोएट्री, वो बोलते हैं कि पोएट्री वेस्ट ऑफ टाइम है। दूसरा चार्ज ये है कि पोएट्स झूठे होते हैं, उनकी पोएट्री झूठी होती है। तीसरा चार्ज ये है कि पोएट्री हमारे मॉरल्स को करप्ट करती है। और चौथा ये कि प्लेटो ने भी आइडियल सिटी ऑफ रिपब्लिक से पोएट्स को निकालने की बात की है। तो ये 4 सीरियस चार्जेस हैं पोएट्री पर। यहाँ पर सर फिलिप सिडनी चारों बातों का जवाब देते हैं और बोलते हैं कि इन चार्जेस लगाने वालों को पोएट्री की पावर का पता था कि पोएट्री इनकी ऑडियंस भी ना खा जाए, क्योंकि पोएट्री में वर्च्यू देने की बहुत पावर होती है अपनी ऑडियंस को। और इसमें बोलते हैं कि प्लेटो ने अपने रिपब्लिक से बैड पोएट्स को बाहर निकाला था, गुड पोएट्स को नहीं। यहाँ पर कंक्लूजन में सिडनी बात करते हैं मॉडर्न पोएट्री की। यहाँ पर कंक्लूजन में वो मॉडर्न पोएट्री की तरफ कहते हैं कि इंग्लिश पोएट्स और पोएट्री के साथ कुछ गलत नहीं है, बल्कि पोएट्स तो बड़े बेतुके तरीके से पोएट्री लिखते हैं और प्लेराइट्स बहुत ही बेतुके तरीके से प्लेज लिखते हैं। इन मॉडर्न पोएट्स को ढंग से पोएट्री लिखना सीखना चाहिए, क्लासिकल वर्क्स से सीखना चाहिए, क्लासिकल वर्क्स को पढ़कर सीखना चाहिए। सर बेवकूफ़ी से कॉपी नहीं करना चाहिए, ऐसे के ऐसे नहीं उतारना चाहिए, जैसे कि सिडनी के टाइम पे बहुत सारे पोएट्स, स्कॉलर्स और ऑरेटर्स वगैरह कर रहे थे। यहाँ पर एंड में सर फिलिप सिडनी इंग्लिश की भी वैल्यू बताते हैं कि इंग्लिश बड़ी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छा लिटरेचर लिखने के लिए सारी क्वालिटीज़ है इसमें, बहुत सारे स्किलफुल राइटर्स इसका यूज़ करते हैं क्योंकि ये सिंपल है। और यहाँ पर क्रिटिक्स को भी सिडनी के इन आर्ग्यूमेंट्स को सीरियसली लेना चाहिए। और दोस्तों यही है इस एसे के अंदर। आई होप आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।